जिस पेड़ के शाखाएं और पत्ते अपनी जड़ों को नहीं जान पाते, जड़ों को पहचान नहीं पाते, जड़ों को सहेज नहीं पाते, वो बहुत दिनों तक हरे नहीं होते, वो एक न एक दिन सूख कर गिर जाते हैं। अपने समय के इतिहास को पहचानिए, किस रास्ते कितना संघर्ष करके, कितनी कुर्बानी दे करके ये कारवां यहां तक पहुंचा है, या नई पीढ़ी के लोग इससे अगर वाकिफ नहीं है तो जिसकी जड़ें नहीं होती उसके तने और उसकी पत्तियां कभी हरी नहीं होती। न्याय का विचार, समता का विचार, मनुष्य को मनुष्य के बराबर बताने का विचार हजारों साल का इतना मजबूत हमारा है, और आज हमारी चिंता क्या है कि हमारा आज के देश की शासन व्यवस्था में कोई हिस्सा ही नहीं है। सही है कि गलत? आबादी कितनी है? 90% हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने वैचारिक जड़ को नहीं जानेंगे तो अचानक कोई पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर नोट भी ले जाएगा और बरगला कर आपका वोट भी ले जाएगा। सीधा सा आपका एक लाइन का पैगाम। इतिहास हमें पता ही नहीं, हमारे नौजवानों को बताया नहीं गया, हमारे संघर्षों का इतिहास, जगदेव बाबू की कुर्बानी का इतिहास, बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष का इतिहास, ललित सिंह यादव का, और छोड़िए आज से 25-30 साल पहले का मंडल आंदोलन का इतिहास, जिस मंडल आंदोलन के इतिहास ने समानता और न्याय के लिए बराबरी की बात करने का एक बड़ा अध्याय जोड़ा, उस इतिहास से हम वाकिफ नहीं है तो इतिहास से जुड़ना चाहिए। इतिहास से जब जुड़ते हैं तो वर्तमान की चुनौतियों को पहचानते हैं और भविष्य के लिए एकजुट होते हैं। कुछ लोग इस देश में हैं, उनसे अगर उनकी जाति पूछेंगे तो वर्ण बताते हैं। तीन है ना वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जातियां तो उनकी गौड़ है। और जब न कमेरा लोगों की बात होती है, 90% को हमसे कोई पूछता है आप कौन, तो हम अपनी जाति का नाम लेते हैं। 37-47 ओबीसी की जातियां और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मिला लीजिए तो 6000 जातियों में बटे। हमारा निवेदन है कि जातियों में हमें इसलिए बांटा गया क्योंकि हमारी एकता टूट जाए। आज इस देश का खतरा यह है, हमें एकजुट होना है। जिसकी भी संख्या ज्यादा है, जिसको भी लगता है कि थोड़ी क्षमता ज्यादा है, जैसे मैं नाम लेके बोलूं, मान लीजिए मैं यादव कम्युनिटी से आता हूं और अगर ओबीसी में यादव की उत्तर प्रदेश में बिहार में 10-15% आबादी, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अपने से कमजोर को अपने साथ रखना, उसको एहसान की तरह नहीं अपना भाई समझ करके, दो कदम पीछे हट करके उनको अपने आगे रखना होगा, तब एकजुटता बनेगी। बांटने वाला तो अपना काम करेगा ना भाई, पिछड़े को आती पिछड़े से लड़ाएगा। अब तो दलित समाज में शेड्यूल कास्ट में भी लड़ा रहा है कि उनका हक वो खा गए, उनका हक वो खा गए। आदिवासी में लड़ा रहा है, आंकड़ा नहीं बता रहा कितना खा गए, कहां खा गए, कितना सुप्रीम कोर्ट में जज बना, कितना वाइस चांसलर है, कितना मीडिया हाउस चला रहा है, कितना जो है डीएमएसपी आपके बिहार में बना बैठा है, जितना ठेका पट्टा मिल रहा है उसमें कितना है ये लोग। लेकिन हमारे लोगों का शिक्षा पहुंची नहीं, आपस में लड़ा दिया। संयोग देखिए कितना अच्छा है कि जिस संस्थान में कार्यक्रम हो रहा है वो अमर शहीद जगदेव बाबू के नाम पर बना हुआ है, उस संस्थान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे लिए जगदेव बाबू एक व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए जगदेव बाबू एक विचार के नाम है, और विचारों को कोई मार नहीं सकता, वो हमेशा जिंदा रहते हैं और आज भी हमें दिशा दिखाने के लिए अपने विचारों के साथ मौजूद है। और हम जब सामाजिक न्याय की पाठशाला में नए नए पढ़ रहे थे और अभी हम लोग रास्ते में आते समय बात कर रहे थे कि सबसे पहली जरूरत क्या होती है, जिस पेड़ के शाखाएं और पत्ते अपनी जड़ों को नहीं जान पाते, जड़ों को पहचान नहीं पाते, जड़ों को सहेज नहीं पाते, वो बहुत दिनों तक हरे नहीं होते, वो एक न एक दिन सूख कर गिर जाते हैं। और जब हम तथागत बुद्ध को याद करते हैं, कबीर रैदास पलटू दादो भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद को याद करते हैं, गुरु नानक गुरु घासीदास संत गाडगे को याद करते हैं, फूले को, अंबेडकर को, पेरियार को, त्रिवेणी संघ के आंदोलन को, जगदेव बाबू को, रामस्वरूप वर्मा को, ललित सिंह यादव को, मंडल आंदोलन को और कांशी राम के सामाजिक विचार को याद करते हैं, तो केवल नाम नहीं है जिसको बार बार दोहराया जाता है, ये हजारों साल के हमारे संघर्षों की जड़ें हैं। और जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों उसके आज की पीढ़ियों को तो कितना मजबूत होना चाहिए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मानवतावादी विचार, न्याय का विचार, समता का विचार, मनुष्य को मनुष्य के बराबर बताने का विचार
हजारों साल का इतना मजबूत हमारा है, और आज हमारी चिंता क्या है कि हमारा आज के देश की शासन व्यवस्था में कोई हिस्सा ही नहीं है। सही है कि गलत है? आबादी कितनी है? 90% हम कहते हैं। इसी समाजवादी आंदोलन, भोजपुर के सामाजिक न्याय की लड़ाई का आंदोलन हो, त्रिवेणी संघ का आंदोलन हो, नारा लगा करता था, वो नारा आप जानते हैं, समानता का नारा था, न्याय का नारा था, संसोपाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ। और जगदेव बाबू को हम इसलिए अपना वैचारिक पुरखा मानते हैं कि उन्होंने इस नारे को ऐसा नारा बना दिया जो हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है कि 100 में 90 शोषित हैं। एक जाति का नाम नहीं लिया जगदेव बाबू ने, कुशवाहा समाज के नेता नहीं थे जगदेव बाबू। और बड़ी खूबसूरत बात, जगदेव बाबू अपने नाम में कुशवाहा लगाते भी नहीं थे, वो बड़े ईमानदार, बड़े स्पष्ट और बड़े लोग थे। हम लोग अभी उतने ईमानदार और उतने बड़े क्या ही होंगे, उससे कोई तुलना ही नहीं है। वो एक जाति का नारा नहीं था। ललई सिंह यादव यादव नहीं लगाते थे, अभी तो हम इतने ईमानदार भी नहीं हो पाए, लेकिन विचारधारा में वो 90% कमेरा लोगों की बात करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही विचारधारा हमारी है, किस किस में? धन धरती और राजपाट में। अब मैं अगर जगदेव बाबू पर यहाँ बात करूं और एक कार्यक्रम किया जाए तो घंटों उन्होंने क्या किया उस पर विश्लेषण हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, घंटों हम बोल सकते हैं। पसमांदा आंदोलन का इतिहास कितना बड़ा रहा है, कितना जरूरी रहा है, घंटों इस पर बात हो सकती। लेकिन जब वक्त कम है तो पहली बात मेरी गुजारिश आरा के सम्मानित लोगों, बड़े बुजुर्गों और खासकर नौजवान साथियों, अपने समय के इतिहास को पहचानिए। किस रास्ते, कितना संघर्ष करके, कितनी कुर्बानी दे करके ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है, या नई पीढ़ी के लोग इससे अगर वाकिफ नहीं हैं तो जिसकी जड़ें नहीं होती उसके तने और उसकी पत्तियां कभी हरी नहीं होती। ये एक मेरी पहली गुजारिश है, जो मुझे लगता है सारे वक्ताओं ने यही बात कही। क्योंकि अगर आप अपने वैचारिक जड़ को नहीं जानेंगे तो अचानक कोई पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर नोट भी ले जाएगा और बरगला कर आपका वोट भी ले जाएगा। सीधा सा आपका एक लाइन का पैगाम। इतिहास हमें पता ही नहीं, हमारे नौजवानों को बताया नहीं गया, हमारे संघर्षों का इतिहास, जगदेव बाबू की कुर्बानी का इतिहास, बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष का इतिहास, ललई सिंह यादव का, और छोड़िए आज से 25-30 साल पहले का मंडल आंदोलन का इतिहास, जिस मंडल आंदोलन के इतिहास ने समानता और न्याय के लिए बराबरी की बात करने का एक बड़ा अध्याय जोड़ा, उस इतिहास से हम वाकिफ नहीं है तो इतिहास से जुड़ना चाहिए। इतिहास से जब जुड़ते हैं तो वर्तमान की चुनौतियों को पहचानते हैं और भविष्य के लिए एकजुट होते हैं। यही तीन बिंदु है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई दिल्ली में रह करके आ जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो जाए, दो चार शब्द से अच्छा बोलने आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है। मैं अली अलवर अंसारी साहब के बगल में बैठा हूँ, जितना हमने, हमारी उम्र नहीं होगी, उतना संघर्ष किया होगा इन जैसे लोगों ने, किताबें लिखी, लोगों को जगाया, एकजुट किया, पीछे तमाम सम्मानित लोग बैठे हैं, सामने आप सब बैठे। सवाल इस बात का नहीं कि हम कोई नई बात कह देंगे, असल में जो रिंकू जी ने कहा, मैं भी वो वाक्य दोहराता हूँ कि हम बाबू जगदेव प्रसाद की ज़मीन पर खड़े होकर, भोजपुर आंदोलन की ज़मीन पर खड़े होकर हिम्मत लेने आए हैं और आपसे हिम्मत लेकर लौट रहे हैं कि सामाजिक न्याय का ये कारवां और बुलंदी से और मजबूती से वक्त के तानाशाहों के खिलाफ जारी रहेगा और न्याय की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। तो इस तरह के आयोजनों का एक मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे को हिम्मत दें और हिम्मत लें, और वो हिम्मत देने और लेने का वक्त ये है कि पहचाने दुश्मन क्या है और वो किस किस रूप में भेष बदल कर आता है, हमारे जेब से नोट और हमारे हाथ से वोट लेकर हमारे ही खिलाफ कानून बनाता है, हमें आपस में लड़वाता है, हमें आपस में बांटता है, धर्म के नाम पर कभी कहेगा कि मुसलमान दुश्मन है, उनकी मस्जिद के सामने से जुलूस निकालो, उनको अपमानित करो, फिर उनको धर्म के नाम पर लड़ा दो, और जब जातियों का एक गोलबंदी होती है सामाजिक न्याय के नाम पर, तब वो याद आता है कि जब लड़ाना होता है तो हिंदू बनाते हैं, पाखंड फैलाना होता है तब आपको हिंदू बनाएंगे, और जब आप हक मांगेंगे इस देश के दलित, पिछड़ा, पसमांदा, आदिवासी समाज के लोग,
तब आपको हक देने के पहले आपके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा लगाएंगे, आपको नौकरी से निकालेंगे और आपको वंचित शोषित कमजोर कर देंगे। मेरी किताब वहां पर इसलिए रखी, कुछ लोगों ने कहा कि आइएगा तो ले आइएगा, आप पढ़िएगा, मन करे तो खरीद के पढ़िएगा। मैं क्यों नौकरी से निकाला गया? इस किताब को, मेरी किताब नहीं है वो, इस किताब को ये है कि एक व्यक्ति नौकरी से निकला, ये बड़ी बात नहीं है। हम तो बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार के वारिस इतना सक्षम है कि नौकरी के मोहताज नहीं है। एक नौकरी से निकालोगे कुछ और उससे बड़ा काम कर लेंगे और भीख मांग कर कभी हम गुजारा नहीं करेंगे, अपने हुनर से अपनी मेहनत से कुछ और करके अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, मैं दिल्ली में रह करके दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ा करके अगर मैं अंदर के जो घोटाले हो रहे हैं, अंदर जो साजिश हो रही है, इसको अगर समाज को नहीं बताता तो मैं दगाबाज माना जाता। क्योंकि गांव में आ रहा कि गांव में किसी को पता ही नहीं कि विश्वविद्यालय में बैठकर शिक्षा कैसे बेची जा रही है, उनको महंगा कैसे किया जा रहा है, कलम और किताब हाथ से छीना कैसे जा रहा है। और अगर आपके आने वाली पीढ़ी कलम और किताब नहीं पाएगी तो मानसिक रूप से गुलाम होगी, जो किसी दंगे में इस्तेमाल की जाएगी या नेता अपने वोट को इस्तेमाल करने के लिए भीड़ में इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए मेरा निवेदन, शिक्षा सबसे बड़ा खतरे में है, कलम और किताब बचाने के लिए प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा और खोजिए अपने आसपास के माहौल को कि कलम और किताब कैसे खतरे में। आज की चिंता यह है कि थोड़ा भी अगर किसी की संख्या में ताकत हो, कोई संख्या में ज्यादा हो, 90% की बात कर रहा हूं, 10% की बात नहीं कर रहा, सोचिए संख्या में वो 10% और न्यायपालिका में, जुडिशरी में 90%, मीडिया में 90%, विश्वविद्यालयों में कुलपति कौन 90%, देश चलाने में डीएम में एसपी में बिजनेसमैन में ठेका पट्टा किसको मिल रहा है, देश की संपत्ति का 90% उनको मिल रहा है, और आबादी किसकी 90% है, कहते हैं कि बहुजनों की है। तो सामाजिक न्याय का सवाल आपसे पूछता है ना कि 90% है कहां, जनगणना रजिस्टर में नंबर है कि इंसान है जिनको अधिकार मिलना चाहिए था। इसका मतलब 90% बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, अलग करने वाला वो है। हमारे मित्र बड़े भाई तानसेन जी हैं, मैं तो चाहता था कि वो कुछ बात वो भी बोलते। एक दिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे याद आ गई, तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस देश में हैं, उनसे अगर उनकी जाति पूछेंगे तो वर्ण बताते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी के खिलाफ नहीं हम बोलते, हमको उनके बारे में नहीं, हमें अपने बारे में बात करनी। उनसे पूछेंगे तो जो ऊपर के 3 वर्ण है ना, उनसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है, तो वर्ण का नाम लेते हैं। 3 है ना वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जातियां तो उनकी गौड़ है। और जब कमेरा लोगों की बात होती है, 90% को हमसे कोई पूछता है आप कौन, तो हम अपनी जाति का नाम लेते हैं। 37-47 ओबीसी की जातियां और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मिला लीजिए तो 6000 जातियों में बटे। हमारा निवेदन है कि जातियों में हमें इसलिए बांटा गया क्योंकि हमारी एकता टूट जाए। आज इस देश का खतरा ये है, हमें एकजुट होना है और एकजुट होने का फॉर्मूला अली अनवर साहब ने दिया, मैं दोहरा रहा हूँ। जिसकी भी संख्या ज्यादा है, जिसको भी लगता है कि थोड़ी क्षमता ज्यादा है, जैसे मैं नाम लेके बोलूं, मान लीजिए मैं यादव कम्युनिटी से आता हूं और अगर ओबीसी में यादव की उत्तर प्रदेश में बिहार में 10-15% आबादी है, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अपने से कमजोर को अपने साथ रखना, उसको एहसान की तरह नहीं अपना भाई समझ करके 2 कदम पीछे हट करके उनको अपने आगे रखना होगा, तब एकजुटता बनेगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ और इसलिए निवेदन करने का मेरा मकसद यही था जो अली अनवर साहब ने कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ। आप बांटने वाला तो अपना काम करेगा ना भाई, पिछड़े को आती पिछड़े से लड़ाएगा। अब तो दलित समाज में शेड्यूल कास्ट में भी लड़ा रहा है कि उनका हक वो खा गए, उनका हक वो खा गए। आदिवासी में लड़ा रहा है, आंकड़ा नहीं बता रहा कितना खा गए, कहाँ खा गए, कितना सुप्रीम कोर्ट में जज बना, कितना वाइस चांसलर है, कितना मीडिया हाउस चला रहा है, कितना जो है डीएमएसपी आपके बिहार में बना बैठा है, जितना ठेका पट्टा मिल रहा है उसमें कितना है ये लोग। लेकिन हमारे लोगों का शिक्षा पहुंची नहीं, आपस में लड़ा दिया। और अपने सब कौन सी यात्रा निकाल रहा है, देखिए यहाँ बिहार के लोग बता रहे, ये जो किशनगंज और उधर का इलाका है, सीमांचल का इलाका, वहाँ हिंदू जागरण यात्रा, हिंदू सोया कब था भाई, जिसकी आबादी 80% सोया कब था। अरे सोया तो इस देश का ओबीसी था, सोया इस देश का दलित था, सोया इस देश का आदिवासी था। जब वो जागा, अपना हक मांगा, तो उसको हिंदू बना दो। बताओ कर्पूरी ठाकुर हिंदू थे तो गाली उनको क्यों दी, बताओ बीपी मंडल अगर हिंदू थे तो उनको गाली क्यों दी, उनको अपमान क्यों दिया। हिंदू बनाने के नाम पर यात्रा निकालने वालों से पूछिएगा
कि ये हिंदू किसके कौन सी यात्रा है, दलित हिंदू है कि नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, घर गंगा जल से क्यों धुलवाया? अगर यादव भी हिंदू था तो उनका घर गंगा जल से क्यों धुलवाया? जगदेव बाबू को अपमानित करने की गालियां क्यों दी? और केवल हिंदू बनाने का नाम कि मुसलमान से लड़ाते रहो। इसलिए अगर कोई यात्रा निकालनी है तो इस देश में संविधान जागरण यात्रा निकाली जानी चाहिए, और किसी यात्रा की इस देश को जरूरत नहीं है। ये केवल धर्म के नाम पर आग लगाकर ये भाषण देंगे कि फलानी जगह रहना है तो हिंदू बन के रहना है। हम कहना चाहते हैं कि भारत देश में रहना है तो संविधान के हिसाब से रहना होगा, और कोई चीज इस देश में उससे बड़ी नहीं है। इसलिए बहुत सजग रहिएगा। आपको भी अब अपना समय निकाल करके, ये जितने यूट्यूबर ये सब मोबाइल है, यही हमारा टेलीविजन, यही हमारा मीडिया है, इनको मजबूत करिए। ये हमारी आवाज बनेंगे और ये हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है। मैं फिर से पूरी आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपसे निवेदन, एकजुट रहने का, विचारधारा पर एकजुट रहने का, सामाजिक न्याय और संविधान की बात करने का, एससी एसटी ओबीसी पसमांदा महिलाओं गरीबों और कमजोरों का किसानों का एकजुट होने का समय है। अपने नोट कहां दें इसको पहचानने का समय है, और बिहार में चुनाव आने वाला है, अपना वोट कहां दें जिससे कि 90 के पहले का दिन न वापस लौट आए कि खटिया पर बैठने के पहले भी जाति पूछ करके अपमानित करने का काम किया जाए। इसलिए न्यूनतम सहमति पर आलोचना का अब वक्त नहीं है। अगर जब युद्ध का मैदान का बिगुल बज चुका हो तो हथियार कौन सा है ये देखने का भी समय नहीं होता है। जो भी हथियार आपके हाथ में है उस हथियार से युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़े हो जाइए। अगर बचेंगे तो बाकी मूल्यांकन उसके बाद कर लेंगे, लेकिन अगर राजनीतिक लड़ाई अगर कमजोर हो गई तो सामाजिक लड़ाई जो कि स्थिर लड़ाई है, जो अली अनवर साहब ने शुरू में कही थी, वो हजारों साल पहले से चल रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। अभी ऐसे और कार्यक्रम करने की जरूरत है, लेकिन अगर कार्यक्रम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, इतना मजबूती से कार्यक्रम कर लेते हैं, हमारे यहाँ करके देखिए। हमारे पत्रकार मित्र अनिल जी बैठे हैं, 6 दिन जेल रह के आए बिना बात के। ऐसे कार्यक्रम आज कर दीजिए, 4 मुकदमा आपके ऊपर हो जाएगा। बिहार भी कहीं उत्तर प्रदेश वैसा न बन जाए। उत्तर प्रदेश में एक उम्मीदों की रोशनी पीडीए की निकली है, समाजवादी आंदोलन की पीडीए निकला है, और मैं चाहता हूं कि वही पीडीए बिहार में भी चले, और उत्तर प्रदेश बिहार अगर एकजुट होकर के इन दंगाइयों को रोक ले, इन जातिवादियों को रोक ले, इन नफरत करने वालों को रोक ले, तो हमारा आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व करेगा। फिर मिलेंगे आरा के लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।